सो गाइज, इस वीडियो में करने वाला हूँ यूट्यूबर्स की अर्निंग का खुलासा एंड मैं आपको रियल इनकम बताने वाला हूँ और आप यूट्यूब से कितना पैसा कमा सकते हो, सारे के सारे राज खुल जाएंगे इस वाली वीडियो में। मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो रियलिटी है। मैं 2017 में यूट्यूब को ज्वाइन किया था एंड 2019 से मैंने रेगुलर वर्क करना शुरू किया था एंड मैंने आज तक यूट्यूब अर्निंग को लेकर जो भी एक्सपीरियंस किया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया एंड समझ लिया तो भाई आपके अंदर और चुल मच जाएगी YouTube पर काम करने की। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। और हाँ, ये कमेंट करना बंद करो कि जुन्नू भाई बस एक ही जैकेट है आपके पास। भाई ब्लैक मेरा फेवरेट है और मैं पहनूंगा। रियलिटी है, मैं कपड़ों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब मैं यूट्यूब पर रेगुलर हो जाता हूँ, मेरे को नहीं पता भाई मैंने कौन से कपड़े कितने दिन पहन लिए, बस पाक साफ होने चाहिए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आप यूट्यूब से कितना पैसा कमा सकते हो। सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा, अनलिमिटेड। ये मनोज दे का वर्ड है बिकॉज उस बंदे को पता है। एंड मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 2019 में मैं कॉलेज में गया था एंड वहां पे भाई मेरे को बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा मिला था जिससे कि मेरा खर्चा निकल जाए, जहां पे मैं रहता था रूम रेंट वहां का खर्चा निकल जाए एंड मेरा खाने का चल जाए और मेरी कॉलेज की फीस। वहां पे रहने के बाद मैं यूट्यूब पर रेगुलर हो गया था एंड आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने पता नहीं इससे पहले ये बात बताई है या नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने वहां से पैसा घर भेजना शुरू कर दिया था। मतलब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में 6 महीने दिए थे बस, बिकॉज मेरे को एक छोटा सा डिप्लोमा करना था एंड वहां पे मैंने यूट्यूब पर रेगुलर वर्क करना शुरू किया, तो वहां पे मैंने अर्निंग करना शुरू कर दिया था एंड उसके बाद और ज्यादा मैंने मेहनत करी एंड और ज्यादा अर्निंग हुआ। देखो भाई, ये एक बात तो क्लियर है कि आप यूट्यूब से इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते जितना आप स्पॉन्सर से कमा सकते हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मनोज दे भाई से मेरी बात होती रहती है एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं एंड जो नए नए बच्चे आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरों को फालतू यूट्यूबर्स बताते हैं और अपने आप को कुछ और ही समझते हैं। भाई देख तो लिया करो बंदा कहां से कब से वीडियोस बना रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, बस कुछ भी बोल दिया, समझने वाले समझ गए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि क्रिएटर यूट्यूब से इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता जितना कहीं और से कमा लेता है, स्पॉन्सर से कमा लेता है, एफिलिएट मार्केटिंग से कमा लेता है एंड और भी काफी सारे धंधे बढ़ जाते हैं भाई जब आप यूट्यूब पर ग्रो हो जाते हो। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, अगर आपके चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं और आपके 10,000 व्यूज आ जाते हैं या 5,000 व्यूज आ जाते हैं, तो भाई आपको स्पॉन्सर मिल जाएगा 2-3 हजार रुपए या 5,000 रुपए। और अगर आपके 5,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं और आपके 15-20 हजार व्यूज आते हैं, तो भाई आपको स्पॉन्सर 40-50 हजार रुपए तक का मिल जाएगा। कोई कोई ब्रांड ऐसा जाता है जो सब्सक्राइबर्स देखता है, व्यूज की तरफ ध्यान नहीं देता है एंड कुछ ब्रांड्स ऐसे आते हैं जो व्यूज के हिसाब से पैसा देते हैं। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ब्रांड के साथ किस तरीके से काम करना चाहते हो। तो भाई एक बात तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी कि स्पॉन्सर से ज्यादा पैसा कमाते हैं यूट्यूबर। कैरिम नाटी का एक वीडियो आया था, थारा भाई जोगिंदर पे रोस्ट, तो उस बंदे का वो वीडियो पे येलो डॉलर आ गया। कैरिम नाटी ने उस वीडियो से पैसा नहीं कमाया बट उस वीडियो में स्पॉन्सर किया हुआ था, वहां से कमा लिया। भाई की मेहनत थी तो भाई को पैसा मिला। तो काफी सारे बंदे वीडियोस बनाते हैं कि जुन्नू भाई इतना कमाते हैं, मनोज दे इतना कमाता है, कंपैरिजन करते रहते हैं। देखो भाई, ये तो सच है कि जिसके ज्यादा व्यूज आते हैं उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं स्पॉन्सर के, जिसके कम व्यूज आते हैं उसको कम पैसे मिलते हैं। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है। आप में से काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो YouTube चैनल सिर्फ पैसे को देखकर शुरू करते हैं कि यार बस मेरे पास पैसा आ जाए। भाई मैं भी पहले यही सोचता था, मैं कंटेंट पे फोकस नहीं करता था। आप लोग अपने कंटेंट पे फोकस करो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जब तक आपके माइंड में ये रहेगा कि भाई पैसा 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 आपसे दूर भाग जाएगा। मैंने 2021 जुलाई में ड्यूक 250 ली थी जिसका प्राइस अराउंड 3 लाख था। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। एंड उसके कुछ टाइम के बाद मैंने एक और बाइक ले ली थी, RR 310। आप लोग प्राइस खुद देख लेना जाकर। तो भाई मतलब अगर कोई चीज लेनी है तो पहले की तरह सोचना नहीं पड़ता। इतना पैसा हम लोग कमा लेते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ भी सोचो वही ले लोगे, नहीं भाई पैसा खर्च भी होता है। मैं अभी अपने घर से बाहर रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, मोटो व्लॉगिंग करता हूँ उसमें भी खर्चा होता है। भाई आप लोग जितना ज्यादा पैसा कमाओगे
उतना ही ज्यादा आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप इससे पहले 2 रुपये खर्च करते थे तो आप वहां पे 20 रुपये खर्च करना शुरू कर दोगे दिल खोलकर। अगर आप अभी के टाइम में जॉब करते हो एंड आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाता है एंड आपकी यूट्यूब इनकम आने शुरू हो जाती है स्पॉन्सर के थ्रू आए या यूट्यूब से आए, तो भाई वापस से आपका जॉब करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा, आप कर ही नहीं पाओगे। अभी के टाइम में काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं यूट्यूब के चक्कर में एंड उसके बाद बोलते हैं कि यार चैनल ग्रो नहीं हो रहा, क्या करें, हमने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी। तो आप लोग गलती कर रहे हो ना, जॉब को मत छोड़ो। जब तक आपका जॉब से डबल पैसा यूट्यूब से कमाना शुरू कर दो उसके बाद आप क्विट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ अब सही रहेगा करना। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन भी मिला होगा एंड यूट्यूब के बारे में भी कुछ पता चल गया होगा कि यूट्यूबर्स कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हैं। तो भाई काफी कुछ है, आप लोग एक बार अपने चैनल को ग्रो तो करके देखो, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप लोग फिर बाद में ये सोचोगे अरे यहाँ से पैसा आता है, ओ ऐसे भी होता है। तो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।